से कोई शैव संत ही धरती पर प्रकट होता है जो भगवान शिव के चरित्र को कहता है। ये जो शैव गुरु हैं नंदकेश्वर महाराज कथा कहने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं समस्त तपस्या का फल है भगवान शिव की कथा। आप बहुत सोमवार व्रत रहे, आप बहुत मंदिर गए, और जब भगवान शिव ने स्वीकार की तुम्हारी वंदना, तो सबसे पहले वो अपने विषय में तुम्हें बताएंगे कि हम क्या हैं, तो उसका माध्यम क्या है? कथा। जैसे आप अपने बच्चों का विवाह करते हैं तो क्या मांगते हैं? कुंडली। ऐसे ही भगवान शिव की कथा क्या है? भगवान शिव की कुंडली। नंदकेश्वर महाराज ने एक सुंदर शिला देखी और उस पर बैठ गए। ना कोई आसन, ना कोई तैयारी, बस भगवान शिव का नाम लिया। जैसे ही नाम लिया, समस्त ऋषि गण देवता लोग वहां आ गए। राक्षसों को जब पता चला भगवान शिव की कथा हो रही है, तो वो छुप गए, लुक गए। पापी और दुराचारी, पर स्त्री गामी, पर पुरुष गामी स्त्रियां भाग खड़ी हुई, अपने अपने घरों में छुप गई, क्योंकि वामदेव से नंदकेश्वर महाराज कहते हैं जो कुमार्गी हैं, जो गुरुद्रोही हैं, जो ब्रह्मद्रोही हैं, जो पर पुरुषगामी स्त्रियां हैं, जो पर स्त्रीगामी पुरुष हैं, उन्हें कथा सुहाती नहीं है। ऐसे उन भगवान शिव के दिव्य दिव्य भक्त के भाग्य में ही भगवान शिव की शुद्ध कथा बड़े मुश्किल से इस कलयुग में प्राप्त होती है। नंदकेश्वर महाराज जब शिला पर बैठे, तो उन्होंने भगवान शिव की कथा जब कहनी प्रारंभ की, तो सारे ऋषि मुनि उनके समक्ष और देवता लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए।